द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में और हम बात करेंगे जितिन प्रसाद की जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा, कांग्रेस को क्या नुकसान होगा और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो किस शक्ल में वहाँ की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, क्यों बीजेपी को ज़रूरत आन पड़ी कि कांग्रेस से एक नेता को बोरो करने की, क्या बीजेपी में अपने जो ब्राह्मण लीडरशिप है वो कॉम्पिटेंट नहीं थी जो कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा के चुनाव को आगे ले जा सकती थी, क्या जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उसमें एक रेजेंटमेंट था। ये सारे सवाल हैं जितिन प्रसाद को शामिल कराने के बाद से, तो उन सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। तो बात करते हैं जितिन प्रसाद के आने से यूपी की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक 2017 के किस्से से। 2017 में केंद्रीय कैबिनेट में रिशफल होना था, फेरबदल होना था, लेकिन उसी साथ में यूपी विधानसभा का चुनाव भी होना था और कलराज मिश्रा जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री थे उनकी उम्र 75 साल पार कर चुकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जोखिम नहीं उठाना चाहते थे कि वो यूपी विधानसभा के समय में कलराज मिश्रा को ड्रॉप करें, क्योंकि अगर उन्हें ड्रॉप किया जाता तो उसके मकसद जो था, उसका जो मैसेज था वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समुदाय में गलत जाता, इसलिए प्रधानमंत्री ने उन्हें बनाए रखा और जब यूपी विधानसभा का चुनाव हो गया तो उन्हें केंद्रीय कैबिनेट से ड्रॉप किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कास्ट कॉम्बिनेशन और जातियाँ राजनीति में कितना महत्वपूर्ण होती है और इस समय यूपी की राजनीति में ब्राह्मण जो कास्ट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गया है। क्यों सिग्निफिकेंट हुआ है उसकी वजह बताते हैं और फिर हम आएंगे जितिन प्रसाद के लेने से बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा और कांग्रेस को क्या नुकसान होगा। जब विकास दुबे इनकाउंटर हुआ था तो बीजेपी के कई सारे MLAs ने ये चिट्ठी लिखी थी योगी आदित्यनाथ को कि विकास दुबे इनकाउंटर में एक गलत मैसेज गया है। हालांकि विकास दुबे जो था वो गैंगस्टर था और उससे ब्राह्मण समुदाय अपने को आइडेंटिफाई नहीं करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जातियों में एक जो रेजेंटमेंट थी वो कहीं ना कहीं गहराई है, क्योंकि 2017 के बाद से जो यूपी का जो गवर्नेंस का मॉडल है और उसमें जो कास्टों का, जातियों का जो उस सत्ता में भागीदारी है उसमें कहीं ब्राह्मणों को लगने लगा कि उनकी उपेक्षा हो रही है और ज़्यादातर पोस्ट पर, ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी में जो राजपूत समुदाय के जो लोग हैं, खास करके योगी आदित्यनाथ की जो जाति के से ताल्लुकात रखते हैं, उनका डोमिनेंस हुआ है, उनको प्रोमिनेंस मिला है। और जितिन प्रसाद जब बीजेपी में शामिल हो रहे थे तो उन्होंने एक बात कही जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि बीजेपी एक इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टी है, बीजेपी ही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो इंस्टीट्यूशन है, यानी कि बीजेपी बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। तो जो अभी हाल फिलहाल में जो BL संतोष और तमाम सारे ऐसे नेता जो यूपी गए थे और वहाँ पे मंत्रियों से मुलाकात की, उन्होंने अलग अलग फीडबैक लिए, उस फीडबैक में ये बात सामने आई कि ब्राह्मणों में कहीं ना कहीं नाराज़गी है। तो यूपी में बीजेपी एक ब्राह्मण चेहरे की तलाश कर रही थी और 2019 में भी जितिन प्रसाद, एक तरह से खबर आई थी कि जितिन प्रसाद बीजेपी में आने वाले हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति वो सॉफ्ट थे और बीजेपी को भी यूपी में एक ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी। वो क्यों तलाश थी उसके कारणों पर हम जाएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आज़ादी के बाद से अगर यूपी की पॉलिटिक्स को देखें तो वहाँ पे जो अपर कास्ट है उसका डोमिनेंस रहा 1989 तक, यानी कि 39 सालों के शासनकाल में तकरीबन जो ब्राह्मण समुदाय है, राजपूत समुदाय है, उसका डोमिनेंस रहा। 5 मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय से हुए, 5 मुख्यमंत्री राजपूत समुदाय से हुए और जिसमें कि गोविंद वल्लभ पंत से लेकर नारायण दत्त तिवारी तक एक तरह से यूपी की पॉलिटिक्स ब्राह्मणों के हाथ में रही, जब तक कि मंडल पॉलिटिक्स का उभार नहीं हुआ। मंडल पॉलिटिक्स के बाद से OBC का डोमिनेंस शुरू हुआ और OBC कास्ट से मुलायम सिंह यादव से लेकर आप देखेंगे मायावती, अखिलेश यादव, ये सारे तमाम चेहरे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से ब्राह्मणों का कांग्रेस से मोहभंग हुआ तब से ब्राह्मण जो समुदाय था वो बीजेपी के साथ उसने एसोसिएट किया और उस एसोसिएशन की कई सारी वजह थी। एक तो प्रधानमंत्री और बीजेपी के जो कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी की एक शख्सियत जो थी वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को कांग्रेस से बीजेपी की तरफ खींचने में उसका एक बड़ा रोल था और ब्राह्मण समुदाय धीरे धीरे कांग्रेस से छिटकने लगे और बीजेपी के साथ आइडेंटिफाई करने लगे।
यूपी में अगर बीजेपी की ब्राह्मण जो लीडरशिप थी वो उस अगर पुरानी श्रृंखला में देखें तो काफ़ी पावरफुल थी। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्रा, केशरीनाथ त्रिपाठी, ये सारे ऐसे कद्दावर नेता यूपी से आते थे और ब्राह्मण कहीं ना कहीं अपने को आइडेंटिफाई करता था। राम जन्मभूमि और उसके बाद जो ब्राह्मण एसर्शन के सारे ऐसे जो मुद्दे थे, बीजेपी ने उसको टेकअप किया और अपर कास्ट बाई एंड लार्ज बीजेपी को वोट करता रहा। सिर्फ 2007 को छोड़कर जब मायावती ने ब्राह्मणों को लुभावना ऑफर दिया और सत्ता में भागीदारी का भरोसा दिया तो ब्राह्मण समुदाय ने मायावती को वोट किया और ओबीसी और जो दलित समुदाय के साथ ब्राह्मणों का एक कोलिशन हुआ जो कि बाद में टूट गया, जिसमें ब्राह्मणों का मोहभंग हुआ और 2014 के बाद से लगातार ब्राह्मण समुदाय जो था वो बीजेपी को वोट करता रहा है। अगर 2014 से 2019 के आंकड़ों को देखें तो तकरीबन 72 से 80% ब्राह्मण कम्युनिटी ने बीजेपी को वोट दिया बीएसपी और एसपी की तुलना में, जबकि पहले अगर बीजेपी के 2007 के इलेक्शन को देखें, 2004 में देखें तो तकरीबन 38-40% जो ब्राह्मण समुदाय था वो बीजेपी को वोट करता था। 2007 में तो ब्राह्मणों ने मायावती की सरकार बनाई थी। तो अब जितिन प्रसाद के आने से क्या बीजेपी का जो ब्राह्मण लीडरशिप का जो क्राइसिस था वो खत्म हो गया है? सबसे पहले देखें कि यूपी में इस समय जो ब्राह्मण लीडरशिप है बीजेपी की, वो उसमें कौन कौन से चेहरे हैं। बीजेपी की जो ब्राह्मण लीडरशिप है इस समय यूपी में, ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो अक्रॉस स्टेट अपना इन्फ्लुएंस रखता हो। ज़्यादातर जो नेता हैं वो जिले के नेता हैं और एक जिले से ज़्यादा उनका कोई प्रभुत्व नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है। जिसमें कि महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय कैबिनेट में हैं वो सिर्फ अपने इलाके के नेता हैं। उसी तरह से बीजेपी ने दिनेश शर्मा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन दिनेश शर्मा उस तरह से पूरे अक्रॉस स्टेट उनका कोई क्लाउट नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बीजेपी ने बाद में शिव शुक्ला को केंद्रीय कैबिनेट में लाया ये सोचकर कि वो ब्राह्मण जो कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं उसमें होल्ड बनाए रखेगी, लेकिन शिव शुक्ला वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं हुए, राज्यसभा में उन्हें भेजा गया। उसी तरह से पहले लक्ष्मी शंकर वाजपेयी एक तरह से यूपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ये सारे जो चेहरे थे वो कहीं ना कहीं कलराज मिश्रा, केशरीनाथ त्रिपाठी, मुरली मनोहर जोशी जैसे इन्फ्लुएंशियल नहीं थे जिनका कि पूरे स्टेट में क्लाउट हो। तो इसलिए जितिन प्रसाद के आने से बीजेपी को एक ब्राह्मण चेहरा मिल गया है, युवा चेहरा जो कि अक्रॉस स्टेट, जिसकी कहीं ना कहीं एक जिसको कह सकते हैं कि परसेप्शन है कि वो ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मण की पॉलिटिक्स में उसका दबदबा है। तो इसलिए बीजेपी की जो लीडरशिप है उसमें ब्राह्मण लीडरशिप की जो क्राइसिस थी वो खत्म हुई है। अब ये सवाल है कि जो यूपी की पॉलिटिक्स में ब्राह्मण वर्सेज जो राजपूत का क्लैश चला है वो क्या इसके आने से दूर हो जाएगा? तो निश्चित रूप से बीजेपी की जो इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि बीजेपी को वेस्टर्न यूपी में नुकसान का खतरा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे किसान आंदोलन जो जाट पॉलिटिक्स शेपअप हो रही है और जिसमें कि चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी का एक इमरजेंस हो रहा है, तो जयंत चौधरी और एसपी और जाट मिलकर कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो ईस्टर्न यूपी है उसको बचाए रखना। ईस्टर्न यूपी का अगर किला बचा रहेगा तो बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और बीजेपी अपने क्लाउड को बरकरार रखेगी और खास करके 2022 का जो चुनाव है 2024 के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 में अगर बीजेपी की सत्ता आएगी तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में दोबारा वापसी होगी, क्योंकि यूपी 80 लोकसभा सांसदों को चुनकर भेजता है। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में बीजेपी ने काफ़ी ध्यान दिया है, चाहे जो केंद्रीय पीएमओ में जो अधिकारी थे उनको जिस तरह से भेजा गया और ख़ास करके वाराणसी से लेकर पूरे ईस्टर्न जोन में वो जिस तरह से एक्टिव है, तो उस ईस्टर्न जोन में सिर्फ शर्मा जी नहीं बल्कि जितिन प्रसाद के आने से बीजेपी को जो ब्राह्मण वोट बैंक थोड़ा बहुत कांग्रेस में शिफ्ट होने का खतरा था, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी कांग्रेस में यूपी में एग्रेसिव हैं तो उससे बीजेपी को लगता था कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट थोड़ा बहुत खिसक सकता है। अब कांग्रेस के पास कुल मिलाकर जो सोशल बेस के नाम पर कोई बहुत ज़्यादा, चूँकि अपर कास्ट का वोट बैंक बीजेपी के पास है, ओबीसी का वोट बैंक भी बीजेपी के पास में है, तो कांग्रेस का वोट बैंक यानी कि कांग्रेस के लिए एक झटका है।
बहन मायावती और समाजवादी पार्टी जो कोशिश कर रही थी कि ब्राह्मणों को खींचने के लिए, उनके लिए भी एक तरह से नुकसानदेह ये साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ये परसेप्शन भी देना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जिस राज्य में चुनाव लड़ती है वो परसेप्शन ये देती है कि जीतने वाली जो पार्टी है वो बीजेपी है, तो इसलिए अपना वोट आप बेकार न करें। तो ब्राह्मणों के बीच में और ब्राह्मणों के पास भी कोई दूसरे दल में जाने का कोई अभी विकल्प नहीं है, और साथ ही उनके लिए कोई फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक तरह से उन्हें सत्ता में भागीदारी मिल रही है, और खास करके उनके जो मुद्दे हैं, जो मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स होती रही है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस करती रही है, तो ब्राह्मण सुरक्षित महसूस करता है, ब्राह्मणों को लगता है कि उनके जो मुद्दे हैं वो सरकार, बीजेपी की सरकार पूरी कर रही है, थोड़ी बहुत जो नाराजगी यूपी और योगी सरकार से है वो कहीं ना कहीं बीजेपी बैलेंस करने की कोशिश करेगी, और खास करके जितिन प्रसाद के आने से वो और बैलेंस होगा। अब सवाल है कि जितिन प्रसाद का फ्यूचर क्या होगा। अगर आप देखें कि कांग्रेस से हाल फिलहाल में जितने भी नेता आए हैं उनको बीजेपी ने बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए लगाया है, जिसमें कि अलग अलग पार्टियों से आए हुए नेता, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सिंधिया की कैबिनेट जो रिशफल होना है, सिंधिया को पोर्टफोलियो मिलना तय है, उसी तरह से आप देखेंगे टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी आए, उन्हें लीडर अपोजिशन बनाया गया, कांग्रेस से शर्मा छोड़कर आए, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो इसलिए जितिन प्रसाद की प्लेसमेंट जो बीजेपी करेगी वो इम्पॉर्टेंट रोल में करेगी। अब वो किस रोल में हो सकता है, पहला रोल ये हो सकता है कि विधान परिषद की जो सीटें खाली हैं उससे उन्हें भेजकर यूपी में डिप्टी सीएम बना दिया जाए। दूसरा जो पोर्टफोलियो हो सकता है, दूसरा जो जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है कि राज्यसभा की जो सीटें खाली है वो उन खाली सीटों पर उन्हें लाकर कहीं ना कहीं एक तरह से केंद्रीय कैबिनेट में रोल दिया जा सकता है, संगठन में बड़ा पोस्ट दिया जा सकता है, तो इसलिए जितिन प्रसाद को बीजेपी कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक ओहदा देगी, ताकि ब्राह्मण समुदाय में ये मैसेज जा सके कि बीजेपी ब्राह्मणों के साथ में खड़ी है, और सिर्फ ये राजपूतों की सरकार नहीं है बल्कि सभी जो अपर कास्ट और बीजेपी का जो सोशल कॉम्बिनेशन है जिसमें अपर कास्ट पहले से है, और ख़ास करके जो ओबीसी और जो दलित जातियों का जो कॉम्बिनेशन है जिसके लिए मौर्या पहले से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, तो उन सब के साथ में बीजेपी कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी। शंकर एनिमेश, द प्रिंट।